अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक ऐसी होम रेमेडी जो आपके थिन बालों को थिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ इशू है या आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे तो ये बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिफोर ट्राइंग पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम हमारे इस होम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे लेना है एक बाउल और फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो है मेथी सीड्स। तो 1 टेबल स्पून मेथी सीड्स मैंने यहाँ पे लिए है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो है कलौंजी सीड्स यानी कि ऑनियन सीड्स। मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये दोनों इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करेगा, हेयर रिग्रोथ करने में हमारी हेल्प करेगा और हमारे बालों में एक शाइन लाने के लिए हमारी हेल्प करेगा। फिर मैंने इसमें ऐड किया है वाटर और फिर मैं इसे होल नाइट जो है वो ऐसे ही भिगो के रख दूंगी ताकि इसकी जो गुडनेस है वो हम इस वाटर में ऐड हो जाए। तो फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है ऑनियन। तो यहाँ पे मैंने रेड ऑनियन लिया है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे कि हमारे स्कैल्प और हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें जो है वो सल्फ़र की नीड रहती है और ऑनियन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सल्फ़र जो हमारे बालों को हेल्दी रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा और हमारी हेयर को ग्रो होने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो ओनियन के पीसेस ओनियन था उसको बड़ी पीस में कट किया है और फिर हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम इस जो ऑनियन है उसे हम ग्राइंड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंड करके मैंने जो स्ट्रेनर लिया है और उससे जो है वो ओनियन जूस जो है वो मैं स्ट्रेन करूँगी। जूस जो है वो स्ट्रेन किया है, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वो मेथी सीड्स और कलौंजी का वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो है वो हमारे बालों को थिक करने में हमारी हेल्प करेगा, हमारे बालों को घना बनाने में हेल्प करेगा, हमारे हेयर स्कैल्प को जो है वो मॉइस्चराइज रखने में हमारी हेल्प करेगा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल ऐड किया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो मिक्सचर है वो हमें बिफोर शैम्पू 1 घंटे पहले हम इसे अपने बालों में यानी कि स्कैल्प और हेयर पे अप्लाई करना है। आप कोई भी स्प्रे बॉटल या कॉटन के हेल्प से इसे अप्लाई कर सकते हो। 1 घंटा अपने बालों में इसे रखिए और नॉर्मल शैम्पू से आप इसे वॉश कर सकते हो। ये होम रेमेडी आप 1 मंथ ट्राई कीजिए और 1 मंथ में ही आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिख के आएगा। आपके बाल जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, बालों में रीग्रोथ होना आना स्टार्ट हो जाएगी और बालों में जहाँ डैंड्रफ इशू है तो वो दूर हो जाएंगे और आपके बाल जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज की ये मेरी होम रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।